हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं जो भी मुझे ब्रेड पकौड़ा बनाने में चाहिए होंगी। सो ये मैंने जीरा ले लिया है 1 चम्मच मसाले वाली, और ये 2 चम्मच नमक है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और ये हींग और लहसुन का पेस्ट है। ये लाल मिर्च, आप मिर्च भी अपने हिसाब से खा सकते हो। आप मुझे क्या पता, आप कम ज़्यादा कैसे भी आप खा सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट ब्रेड की ले ली है, और ये ब्रेड का छोटा वाला साइज है, बड़ा वाला साइज नहीं है। तो मैं इसे बीच में से कट नहीं करूँगी, मैं इसे चौकुटे तरीके से ही बनाऊँगी। और मैंने यहाँ पर ये बेसन ले लिया है। बेसन अगर तौल से मेजर करें तो बेसन हमारा 250 ग्राम होगा। तो 250 ग्राम बेसन है यहाँ पर, इसका हम बैटर बनाएंगे। और अब यहाँ पर मैंने ये आलू ले लिए हैं, बॉईल करके इनको, इनका छिलका निकाल दिया है। तो अभी इनको मैं मैश करके इनकी एक चटनी बनाऊंगी, आलू की स्टफिंग बनाऊंगी मैं। तो सॉरी, वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया जिसकी मैंने स्टफिंग बनाई थी आलू की। सो सॉरी। सो मैंने यहाँ पर ये बैटर बना लिया था, ये दोनों क्लिप मेरे से डिलीट हो गए। तो आपको तो मैंने मसाले दिखाई दिए थे। सो मैंने इस तरह इसको डिप करके इसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। वो जो भी मसाले मैंने आपको दिखाए थे, वही मसाले मैंने स्टफिंग में डाले थे। वो तो इजीली आपको पता होगा कि हमें क्या क्या चाहिए होता है ब्रेड पकौड़े बनाने में। सो आपको दिख जाता तो और आसानी हो जाती। तो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से वो डिलीट हो गई वो क्लिप, पता ही नहीं कैसे डिलीट हो गई मेरे से वो। तो अब मैंने यहाँ पे ये बेसन में डिप कर करके डाल दिए हैं। सो अभी ये सिकेंगे, एक साइड से हम इनको अभी सिकने देंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी डेली अपडेट्स के लिए। और मैं ऐसे ही, मेरी कम से कम 2 महीने से मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी। सो मुझे माफ़ करना प्लीज़, मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गई स्टफिंग वाली। तो मैं इन्हें पलट दूंगी यहाँ पे। ये कढ़ाई कुछ ऐसी है पतले तवे की, सो इस वजह से इसमें ये जो ब्रेड पकौड़ा वो चिपक रहा है। सो मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको मैंने पलट दिया है। अगर भारी तलवे की होती तो ईज़िली ये पलट जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हम अच्छे से पलट रहे हैं, कहीं से भी टूट फूट नहीं हो रही है इनकी। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड पकौड़े को पलट पलट करके इधर उधर से पका लूँगी, सेक लूँगी अच्छे से। सो ये देखो इनका कलर ऐसा हो गया है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। सो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, अंदर से कितना सॉफ्ट और इतना यमी लग रहा है ये। जो भी हमने इसमें स्टफिंग भरी है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, और खाने का टेस्ट भी दोगुना होगा इसका। सो कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ। सो मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी स्टफिंग और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड पकौड़े बने हैं, कहीं से भी जले कटे नहीं हैं ये। सो आप ये सर्व कर सकते हो रेड चटनी के साथ, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये लाल सॉस ले ली है। सो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।